दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस में तमाम हमारे आदिवासी भाई और बहन अपने गरिमा और अपने गौरव को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहा है। जहां भाजपा इस उत्सव को मना रही है, वहीं कांग्रेस इस उत्सव को आक्रोश रैली के रूप में तब्दील कर रही है। मंडला, डिंडोरी और तमाम आदिवासी इलाके में आज जहां आदिवासियों ने सभाएं रखी हैं, रैलियां रखी हैं और अपनी अपनी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं आदिवासियों का शोषण और दोहन और उनकी मांगें अभी भी जहां की तहां बरकरार हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहा हमारा आदिवासी आज भी इसी मांग पर अड़ा हुआ है। देश के मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसका भी ज्ञापन आज इन इलाकों में उसके विरोध स्वरूप दिया जा रहा है। मणिपुर की स्थिति आप देख लें, जिस प्रकार से एक धर्म की राजनीति से, एक जात की राजनीति से जो भेद बनाने की कोशिश हो रही, उसी का एक परिणाम है कि मणिपुर में इतनी अशांति, इतना अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार और इस टाइप की जो बातें आ रही हैं वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। समाज को, आदिवासी वर्ग को, मूल निवासी वर्ग को, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ, पार्टियों को चिंतन की अत्यंत आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में इस दिवस पर जो अवकाश घोषित होता था उसे बंद कर देने से आदिवासियों में आक्रोश भी है और यहां तक कि विधायक डॉक्टर अशोक मर्कोले ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर विरोध भी दर्ज कराया है। त्यौहार एक पर्व के रूप में मनाते आए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार के समय पर एक छुट्टी भी घोषित की थी, अन्य व्यवस्थाएं भी किए थे, कई आदिवासी हितों के लिए योजनाएं भी चालू करी थी, पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, इन्होंने ना सिर्फ छुट्टी को कैंसिल किया बल्कि जो स्थानीय स्तर पर कलेक्टरों के माध्यम से जो अवकाश होती थी, किसी भी कलेक्टर ने अवकाश देने पे मना कर दिया या असमर्थता जाहिर की। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आदिवासी विरोधी ये सरकार या उसकी मानसिकता की सरकार, जिसकी वजह से कोई एक कलेक्टर अपने माध्यम से, अपने स्वेच्छा से किसी आदिवासी जिले में भी रहने के बाद में भी अगर स्वयं से विश्व आदिवासी दिवस पर अगर छुट्टी घोषित नहीं कर पाता है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। इस बात से अब यह विरोध और यह समर्थन आने वाले चुनाव में कितना असर करेगा यह समय बताएगा, लेकिन आदिवासियों को रिझाने के लिए भाजपा भी आगे है, कांग्रेस भी आगे है और यहाँ तक कि अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।